तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो वो होता है हमारा ड्राइवर, उसे ड्रिंक बना के देते हैं और वो उसको पीती है और कहती कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और टेस्टी है। फिर वो कहती है कि अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। फिर कहती है क्या तुम ठीक हो? तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे बस थोड़ी सी नींद आ रही थी। तो फिर ग्लोरिया कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर घर पर छोड़ देती हूँ। उसके चले जाने के बाद फिर ये डेविड से कहती है कि क्या मुझे एक और मिल सकती है रेन वो कॉकटेल? तो यहाँ पर वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो डेविड उसके लिए बना के देता है। फिर यहाँ पर वो फ्रेया को दिखाता है कि ये रहा सुशैन का हेयर और साथ ही सुशैन की ग्लासेस जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेया रिंदन कहता है हाँ सही कहा। उसके बाद वही वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मिसेस गेव की होती है और यहाँ पे सारे लोग जो होते हैं आए होते हैं और साथ ही विंसेंट और फ्रिया भी आते हैं। फ्रिया जो होती है पार्टी में आ रही होती है विंसेंट के साथ और फ्रिया कहती है कि बहुत ज़्यादा बढ़िया पार्टी है और देखने से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर जो फ्रिया होती है बताती है कि प्रेसिडेंट के ने बोला है कि वो पब्लिकली यहाँ पे बताएंगे और सुशीन को अपनी डॉटर इन लॉ मतलब डॉटर बताएंगे, सबको पब्लिक के सामने वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सबको बताएंगे। इसके साथ दिखाते हैं वो कहते हैं फ्रिया वाह वेलकम, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो आए हैं हमको एंटरटेन करने के लिए और वैसे तुम यहाँ पे एंजॉय करो और मज़े करो। फ्रेया कहती है कि हाँ मैं समझ गई वो प्रेसिडेंट गेव के लिए गिफ्ट लाई होती है। उसके बाद दिखाते हैं जो फ्रेया होती है वो यहाँ पे विंसेंट का हाथ मारती है और उसे बताती है कि वो देखो। और यहाँ पे विंसेंट कहता है क्या कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जेकब होता है, जेकब उसके सामने ड्रिंक करता है और कहता है पहले के लिए शुक्रिया। फ्रेया उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है, मैं होप करती हूँ कि तुम अपने जो शब्द है उन पर बने रहे हो के, तो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी यहाँ पे बुरा मत मानने देना और यहाँ पे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वो फ्रेया से कहता है कि हाँ मैंने अपने वादे को नहीं तोड़ा, मैं अपने प्रॉमिस पे हूँ। फ्रेया उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है। और मतलब जो वो होता है विंसेंट वो यहाँ पे फ्रेया से पूछता है कि ये ज़रा बताओ कि क्या खेल रही है, तुमसे क्या बात कर रहा था। फ्रेया उसे बताती है कि कुछ टाइम पहले रिवर सिटी में उसे मिली थी, पानी की तरह बहुत सारे पैसों को बहा दिया तो प्रेसिडेंट गेव ने इसे निकाल दिया और फिर मैं इसे एक्सीडेंटली मिल भी गई थी। तो यहाँ पे फिर जेकब जो होता है उसे कहता है फ्रेया आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फ्रेया उसे कहती है, फ्रेया अपने पास से कुछ पैसे निकालती है, चेक निकालती है और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर तुम्हारे ये क्या क्या कर रही हो फ्रेया? और यहाँ पे फ्रेया उसे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जो डैड है वो इतने ज़्यादा बीमार रहें और तुम्हारी मदर उनका ऐसे ख्याल रखें, मैं तुम्हें सीक्रेटली ये चेक दे रही हूँ तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। फ्रेया उसके सामने चेक करती है और कहती है कि ये लो मैं सीक्रेटली तुम्हें दे रही हूँ तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। उसके बाद दिखाते हैं जेकब एक पेड़ के पीछे देखता है और फिर यहाँ पे कहता है मतलब फ्रेया उससे कहती है कि ये 10,000 मतलब 100,000 है, तुम यहाँ पे एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो चाहो तो, और मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ करो और कुछ अच्छा करो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो है तुमसे खुश हो जाएं और मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, अब जो मैंने पैसे दिए हैं तुम उनका अच्छे से ख्याल मतलब ध्यान करके और ध्यान से इस्तेमाल करके एक बिजनेस स्टार्ट करो और इनको सही जगह खर्च करो जिससे तुम्हारी हेल्प हो पाए। उनसे कहता है बहुत अच्छा हुआ इससे मिल के बट इसने लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। फिर यहाँ पर ग्लोरिया जो होती है वो वहीं पर होती है और 3-4 शब्द कहती है। उसके बाद दिखाते हैं जो मिसेस गे होती है वो यहाँ पे अपनी डॉटर के साथ उतरते हुए आती है और यहाँ पे वो जो प्रेसिडेंट के होते हैं वो कहते हैं वाइफ ही तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पे उसकी वाइफ उससे कहती है कि पीपल हमको ऐसे देख रहे हैं और वो क्या सोचेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, उन्हें लगेगा कि हम 100 साल बाद यहाँ पे शादी कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट गे यहाँ पे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने तुमसे शादी की और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वाइफ ही तुम्हारा शुक्रिया। और विंसेंट और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्रेसिडेंट गेव कहते हैं कि हेलो एवरीवन और मैं यहाँ पे आप सब लोगों को एक बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि चलो इधर आ जाओ अपने सुशैन से कहते हैं और कहते हैं ये मेरी डॉटर है सुशैन, मैं यहाँ पे एवरीवन सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे विटनेस हैं और मेरी जो डॉटर है वो असल में अब से लीगल सक्सेसर है होटल ऑफ एंजल की। और यहाँ पे सारे लोग कुछ लोग हैरान होते हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सब लोग फिर पार्टी करते हैं और आपस में बातें करे होते हैं और जो ग्लोरिया थी कहती है ग्लोरिया फ्रेया से कहती है कि सब बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पे इतना बड़ा झूठा काम करी। और यहाँ पे फ्रेया कहती है फ्रेया से कहती है कि जो एविडेंस है वो सब कुछ बता देंगे तो तुम टेंशन मत लो। जो ग्लोरिया थी कहती है इसने इतना सब कुछ बड़ा कर दिया फिर भी उसको पछतावा नहीं है और ग्लोरिया जो होती है वहीं पर ड्रिंक करी होती है। और यहाँ पे फ्रेया कहती है कि यहाँ पे फिर ग्लोरिया तुम थोड़ा शांत रहो, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। ग्लोरिया कहती है मुझे पता है कि मैं यहाँ पे किसी वुल्फ से होते हुए वुल्फ को नहीं जगा सकती, मुझे पता है कि तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता कर लोगी और तुम एविडेंस इकट्ठा कर लोगे और मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेया कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प हो, मैंने इतना नहीं सोचा था। फिर यहाँ पर ग्लोरिया कहती है क्या कहा तुम्हारे यहाँ कहने मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ? फ्रेया फिर कहती है मैंने ऐसा कब कहा? फ्रेया जो होती है मैंने ऐसा कब कहा करते हुए वो थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकती जा रही होती तो वो अचानक से विंसेंट से टकरा जाती है। विंसेंट कहता है कि आखिर तुम इतना हिलते हुए कहाँ जा रही थी? तो फिर जो फ्रेया कहती है कि नहीं
फिर मुझे फ्रेया होती है कहती है कि बस मैं तो यहाँ पे तुमको ही ढूंढने जा रही थी और तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो आज। तो फ्रेया विंसेंट उससे कहता है तो पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशेन कहती है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, क्या मैं तुमसे कुछ टिप्स वगैरह ले सकती? तो फ्रेया कहती है कि तुम्हें हमसे टिप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम उनसे ट्यूटर ले बना सकते हो, वो तुम उन्हें ट्यूटर बना सकते हो। सुशेन बोलती है कि फ्रेया मुझे पता है कि तुम यहाँ पे विंसेंट के साथ काफ़ी टाइम से हो और तुम ये विंसेंट और तुम एकदम परफेक्ट मैच लगती हो, मुझे तुमसे ये सब कुछ सीखना चाहिए, तुमसे टिप्स लेनी चाहिए, और कहीं तुम ये इस बात से डरी तो नहीं हो कि मैं यहाँ विंसेंट को तुमसे छीन लूँगी? फ्रेया को ये बात सुन के बाद थोड़ी बहुत हैरानी होती है और कहती है तुम। फिर यहाँ पे पता नहीं हमारे वो दिखाते हैं कि वो अपने हाथों को जोड़ती है और पता नहीं थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर का सीन होता है क्या होता है, तुमने हाथों को जोड़ती है और कहती है फ्रेया कि मैं तो बस मजाक करी थी, इसको सीरियस मत लेना, मैं तो यहाँ पे तुमको और थैंक यू करना चाहती थी कि मेरा डैड कहते थे तो अच्छे ख्याल रखो और साथ ही होटल ऑफ एंजल का भी। फ्रेया कहती है वाह यार इसने तो सब्जेक्ट को बड़ी ईजिली चेंज कर दिया। और फिर वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया और हाँ मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही। विंसेंट बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसे मतलब है तो चलो अपनी जो अमेरिकन जो कंपनी में तुम काम करती हो उस जॉब को छोड़ दो और जल्दी इस सिटी में वापस आ जाओ और अपने डैड की हेल्प करो, जिससे जो फ्रेया है उसको थोड़ा बहुत आराम मिल सके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती है। वो जो कहती है कि विंसेंट तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम फ्रेया के लिए एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैच हो और तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। विंसेंट तुम बहुत एक अच्छे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारी एडवाइस को लेते हुए मैं यहाँ पे जैसा तुमने कहा वैसे ही करती हूँ। जो सुशेन होती है वो विंसेंट से कहती है पर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत और दिन लग जाएंगे जहाँ पे मैं अमेरिका में वापस जाऊँगी और वहाँ पे जाकर सब कुछ बताऊँगी कि मैं यहाँ पे काम करने वाली, तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। फ्रेया कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें गुड लक। उसके बाद दिखाते हैं फिर वो यहाँ से जाने का टाइम आता है तो फ्रेया और विंसेंट बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही विंसेंट और फ्रेया वहाँ से चले जाते हैं तो सुशेन को यहाँ पे एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में होता है कि सुशेन यहाँ पे चल के आ रहा है, मतलब आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है और यहाँ पे आ जाओ। फिर यहाँ पे सुशेन जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पे सुशेन एक बंदे को कॉल करती है और कहती है कि आखिर ये कौन है। वहाँ पे एक ब्लैक पर्सन जो होता है बंदा होता है जो कि उन्हीं के घर के बाहर होता है और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पे कोई डॉटर वाटर नहीं हो गए हो कि। फिर यहाँ पे जो सुशेन होती है कहती है तुम्हें चाहिए क्या? वो बंदा कहता है कि तुम पे डिपेंड है कि तुम मुझे क्या दोगे, मतलब वो बंदा कहता है कि ये तुम पे है तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद दिखाते जो वो होती है वो कहती है, मतलब वो जो फ़ोन होता है वो बंदा काट देता है और वो जो वो होती है सुशेन वो बाहर की तरफ खिड़की से उस बंदे को देख लेती है और जल्दी से बंदे को बंद करती है और कहती है, सुशेन एक बंदे को फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी से फाइंड करो कि इस नंबर से कौन है और आखिर ये किसका नंबर है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुशेन बहुत ज़्यादा हैरान होती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेस और परेशान लग रही होती है और यहाँ पर उसकी माँ तैयार कहती है सुशेन अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था क्या नाइट में, क्या तुम्हें कोई नाइट में रहा? तो सुशेन कहती है कि यहाँ पे मैं अमेरिका इस आफ्टरनून में दोबारा वापस जा रही हूँ मैं अमेरिका। तो यहाँ पे मिस्टर गियो कहते हैं कि ऐसे क्यों? फिर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट गियो होते हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहते कि तो मेरी जो डॉटर है वो अभी इतनी जल्दी मिले और वो इतनी जल्दी यहाँ से चली जाए अमेरिका वो भी यहाँ पे। फिर यहाँ पे सुशेन कहती है कि डैड प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। फिर उसके जो डैड होते हैं कहते हैं यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं एम्बेरेसिंग फील करने की सुशेन, तुम्हें यहाँ पे किसी से डेट करना चाहिए और किसी से शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सुशेन कहती है कि डैड आप किस बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पे फिर उसके डैड कहते हैं, फिर यहाँ पे उसके ग्रैंड मतलब जो होते हैं वो कहते हैं मिस्टर गियो कि तुम यहाँ पे चाहो तो शादी कर सकती हो, इससे कोई मसला नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पे किसी अमेरिकन से भी शादी कर सकती हो। फिर यहाँ पे वो कहती है अपने मन में सुशेन किया एक फॉरजन गाय। इसके बाद हमें एक प्लेन को जाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें एक क्रिमिनल ग्रुप को दिखाया जाता है। आफ्टरनून का सीन होता है जहाँ पे बंदा आता है विंसेंट को वो सारी रिपोर्ट देता है जो कि प्रेसिडेंट गियो की होती है और उसकी डॉटर सुशेन की होती है जो कि ब्लड वो होती है रिपोर्ट। विंसेंट फिर उस बंदे से कहता है कि अपनी जो आई है वो ध्यान से उस लड़की के ऊपर बना के रखो, मुझे देखना है कि वो लड़की आगे चाहती क्या है। जो DNA टेस्ट होता है उसमें लिखा होता है कि नॉट बायोलॉजिकल रिलेटेड ब्लड रिलेटेड, मतलब वो एक तरह से नहीं होते। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सस्पेंस काफी ज़्यादा खतरनाक था, तो इसी सस्पेंस के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है आपके एक कमेंट से, तो कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलता है अगली वीडियो में, साइन अप इज गुड बाय।